इतनी अरास्ता हमारा शो जिसका इम्पैक्ट सारे लोगों पे, माशाल्लाह हमें ईमेल्स और मेल्स के थ्रू ये पता चला है कि वो लोग जो एंटरटेनमेंट से बहुत मोहब्बत करते हैं वो भी ये शो देखते हैं, और वो जो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं वो भी ये शो देखते हैं। सो दोनों को वेलकम। और आज के एपिसोड में एक बार फिर मैं नहायत ही मशहूर जगह पे हूँ, दिस इज लिबर्टी मार्केट लाहौर, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन लाहौर, जहाँ पे हर कोई आता है, जवान बूढ़े बच्चे, यहाँ पे बहुत शॉपिंग होती है। लेकिन आज का इशू बहुत सीरियस है हमारे ही मुल्क में, एक बार फिर किसी भी इशू की तरह एक और इशू आया और हमने खुद का नुकसान करना शुरू कर दिया, और उस नुकसान में हमारी गाड़ियाँ, हमारी बाइक्स, हमारी सड़कें, हमारी दुकानें, सब कुछ तबाह हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि शायद वो हमारे गुस्सा है जो हम बापडा पे या गवर्नमेंट पे उतार रहे हैं, जो कि इन दी एंड हमारे ऊपर ही उतर रहा है। सो आज का सवाल ये है कि क्या ये सही है या ये गलत, और अगर ये सही है तो कैसे, और अगर ये गलत है तो कैसे, हमें पता है। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक। आपका नाम क्या है? काशिफ है नाम मेरा। काशिफ, काशिफ, आजकल लोड शेडिंग की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और उसके हल में उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया, तो तोड़ फोड़ हो रही है, गाड़ियाँ टूट रही हैं, आग लग रही है, सब कुछ हो रहा है। आपके हिसाब से ये सब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, कि गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि आवाम परेशान है, बिजनेस ज़रा सा भी नहीं रह गया हुआ, कुछ भी नहीं रह गया हुआ, तो आखिर तंग हो गए, आवाम सड़कों पर निकलेगी, तोड़ फाड़ करेगी, वो तोड़े होगी। बिल्कुल सही, तो ये होना चाहिए। मुझे बताओ, इस सब में तोड़ फोड़ तो हमारी चीजों की हो रही है। जी जी, सड़कें भी हमारी हैं, घर भी हमारे हैं, जो बहन बेटियां तंग हो रही हैं स्कूल कॉलेजों की, सब वो भी हमारी हैं, तो नुकसान तो हमारा ही है। नुकसान हमारा ही है, ये तो हम भी मानते हैं कि हम अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। सही है ये नुकसान, हम अपनी शॉप से बंद करके जाते हैं, तोड़ फाड़ करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये कुछ नहीं करके दिखाएंगे तब तक गवर्नमेंट समझेगी कि ये सुकून है, इन्हें कोई परेशानी नहीं है। अगर ये हम कुछ कर रहे हैं तो ये इनकी वजह से कर रहे हैं कि हमें लाइट मिले, क्योंकि चाइना ने भी ऑफर की थी, हमें पता चला है कि चाइना ने ऑफर की थी कि हमें 300 रुपया पर घर दे तो हम आपको गवर्नमेंट को बिजली दे देंगे, आपके पूरे मुल्क को बिजली दे देंगे, आपके कूड़े की बिजली बना के भी देंगे, तो इन्होंने क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया, क्यों नहीं माना ये वाला। थैंक यू काशिफ, बहुत शुक्रिया आपने इतनी बात किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर अपना जज्बा कायम रखो, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका नाम क्या है? गजनफर अली। गजनफर, गजनफर के लिए तो मुझे बता, इतने खुश क्यों हैं? जस्ट आर यू पीपल हियर? यार मेरे भाई हैं आप, मुझे भी बहुत खुशी है आपसे मिलकर। गजनफर, मुझे एक बात बताओ, आजकल लोड शेडिंग की वजह से सब कुछ खराब हो रहा है, टेंशन मची हुई है, गुस्से आ रहे हैं सबको, और इसके नतीजे में लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जी जी, अपनी चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं, और यू नो बाहर निकल रहे हैं सड़कों पे, टायरों को आग लगा रहे हैं। आपके हिसाब से ये होना चाहिए? बेसिकली होना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आवाम की बात को सुनता नहीं है, मतलब सब लोग जो हैं वो अपने अपने जो बेसिकली जो रूलर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, उनको घरों में जनरेटर्स वगैरह एवरीथिंग अवेलेबल, तो जब वो बात सुनते नहीं है तो आवाम को फिर वो कहते हैं ना बॉम्ब फोड़ना पड़ता है पार्लियामेंट में, जिस तरह से एक मूवी में था। पार्लियामेंट को तो कोई नुकसान नहीं, बेसिकली नुकसान तो हमारे अपने सामान को। एक मूवी में था ना सीन कि जी पार्लियामेंट बम फोड़ा जाता है, लेकिन किस लिए? सिर्फ अपनी बात सुनाने के लिए। अब जब कोई बात सुनता नहीं है, अब एक ट्रेन चलेगी तो हर बंदा सुनेगा जी क्यों चली, इसलिए कि जी आवाम को ये प्रॉब्लम थी इसलिए। तो अब जब किसी बंदे की आम बात नहीं सुनता, फिर वो इस तरह की बात नहीं, इस तरह के जो हर पे और कोई हल नहीं बचा, और कोई हल नहीं। लेकिन इंडियन है तो गलत है, तो गलत, लेकिन ऑफ कोर्स जब कोई नहीं सुनता तो फिर और कोई चारा नहीं बचता, ये हल रहता है। जबकि जो आप सिविलाइज कंट्री में जाएं वहां पर लोग तोड़फोड़ नहीं करते, ये उनकी अच्छी बात है, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक प्ले कार्ड लेकर निकलते हैं, उनकी बात सुनी जाती है। और यहाँ पर कोई प्ले कार्ड लेके क्यों नहीं निकलता? सुनी नहीं जाती उनकी बात। अब मीडिया, आप लोगों की वजह से मीडिया अब चल रहा है, अब जिस तरह से आप लोग जा रहे हैं और बंदा सुन रहे हैं आपकी बात को, तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया में ये बात सुनी जा रही है। पर हम तो ये चाहेंगे कि हमें किसी भी तरह से एहतजाज के, और बहुत से तरीके होते हैं, आप चार्ट पेपर्स लेके जा सकते हैं, आप बेसिकली आपका काम तो ये ना कि आपने गवर्नमेंट को कन्वे करना है कि आप ये कहना चाहते हैं। सिविलाइज कामों का यही निशानी है कि वो इस तरह के हरबे जो के पुराने वो अपनाते रहे हैं पुराने जमानों में, अब वो नहीं करते, क्योंकि वो लोग इस चीज को सीख चुके हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है अल्टीमेटली अपने कंट्री का। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच गजनफर, इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। आज का इशू ये है कि मैंने बहुत लोगों को कहा कि लोड शेडिंग जो है उसके लिए करें, तो आवाम थोड़ी सी काम डाउन हो गई, लेकिन अब जो एहतजाज शुरू हुए हैं उसमें हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, अपनी बाइक चला रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। सो आप लोगों का क्या ख्याल है, करना चाहिए? आप भी निकल गई थी लेकिन कि नहीं गई थी?
नहीं, ऑब्वियसली इस तरह करना ही नहीं चाहिए। आपका अपना मुल्क है, इतनी मेहनत से बनाया और इसे खुद ही हम तोड़ने लग जाएं तो ये तो बहुत ही गलत बात है। हमें तो साथ कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि अगर जिस तरह भी एहतजाज इस तरह तो नहीं करना चाहिए। आगे बिजली नहीं है, इतना कम हमारे पहले ही मुल्क में इतना नुकसान हो रहा है और अब हम खुद भी तोड़ने लग जाएं तो वो तो और ही नुकसान होगा। जो थोड़ी सी आ रही है वो भी शायद चले जाए। इस तरह लगता है कि पेप्को ने क्योंकि दिसंबर तक का टाइम मांगा था तो आवाम को थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए और इतना जा रखा दिसंबर तक का है उन्होंने। इस साल की लोड शेडिंग इस साल दिसंबर में खत्म हो जाएगी, ये कहा है इस साल की खत्म हो जाएगी। आप क्या कहते हो ये जो पेप्को को भी थोड़ा सा लाइक अब बस कर देना चाहिए। इतनी पिछले दिनों जब इतनी ज्यादा गर्मी थी तो इतनी लाइट जा रही थी, लेकिन अब ये है कि अभी स्टिल दोबारा बल्ब वगैरह जलना स्टार्ट हो गया, लेकिन ऑब्वियसली नुकसान तो नहीं करना चाहिए अपने कंट्री का। इस तरह नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं करना चाहिए। आपका क्या मैसेज है? अब फॉर एग्जांपल तीन चार लोग, क्योंकि लोग बहुत देखते हैं तो अभी वही जो कोई गाड़ी तोड़ के आया होगा वो देख रहा होगा, मुझे पता नहीं क्या कह रहा होगा, आप लोग उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि नहीं नुकसान करना चाहिए इस तरह पूरे कंट्री, अपने मुल्क का खुद से नुकसान ना करें, अपने मुल्क के साथ कोऑपरेट करें, हर कंडीशन में कोऑपरेट करना चाहिए अपने मुल्क के साथ। थैंक यू सो मच आप लोगों को मैंने रिसर्च किया। आप लोग शॉपिंग करते रहें। शमशाद जी, आजकल लोड शेडिंग की वजह से जो एहतजाज हो रहा है, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं, चीज़ें तोड़ रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, आपके हिसाब से ये सही है? ये तो गलत है। नुकसान करना तो हुकूमत की करो ना, आवाम को क्यों नुकसान देते हो? जिनकी गाड़ियां चला देते हैं बेचारे तो उनकी क्यों नुकसान करते हो? ये आवाम थोड़ी कर रही है, तो हुकूमत कर रही है। बिल्कुल, तो हुकूमत की तोड़ फोड़ करो, उनको पता चले। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे आवाम को तकलीफ नहीं देना चाहिए। और आपको लगता है पेप्को ने जितना टाइम मांगा है 2-4 महीने और क्या, वो देना चाहिए? हमें शुरू से सुनते आ रहे हैं हम लोग, ये नहीं देना चाहिए। नहीं, आवाम कहती है हुकूमत के लिए 1 साल ठहरो, 6 महीने ठहरो, ठहर ठहर के आप खुद देख लो, हमें 10 सालों के सुनते हुए। लेकिन तोड़ फोड़ गलत, तोड़ फोड़ जब आवाम का कहना नहीं मानोगे तो तोड़ फोड़ तो करेगा। थैंक यू सो मच।